नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सूर्य कोचिंग क्लासेज में। आज हम पैसिव वॉइस का पार्ट 6 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा यानी प्रार्थना सूचक वाक्य। ये तीन प्रकार से आरंभ होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से आरंभ होते हैं? ये तीन प्रकार से आरंभ होते हैं। पहले पहला है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, फिर दूसरा डू या डू नॉट से शुरू होंगे, या तीसरा लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य कौन कौन से हैं? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, यानी ये तीन प्रकार से आरंभ होते हैं। फिर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? पैसिव वॉइस को लेट से आरंभ करेंगे। जब भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए, डू नॉट आ जाए, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस आ जाए, तो क्या करेंगे अपन? पैसिव वॉइस को लेट से आरंभ करेंगे। फिर दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, हमेशा बी आएगी। हमेशा क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब बी। पहला क्वेश्चन, पहला सॉरी पहला एक्टिव है ओपन द डोर। हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट से स्टार्ट करेंगे। किससे? पैसिव वॉइस को किससे स्टार्ट करेंगे? लेट। पहला काम कंप्लीट। फिर आगे बोल रहा है, अब इसमें ओपन द डोर, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो द डोर। फिर हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी? पैसिव वॉइस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हमेशा बी, ये बी का प्रयोग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपन। तो हमारा पैसिव वॉइस हुआ लेट द डोर बी ओपन। फिर आगे है डू यू योर वर्क। अब देखो इसमें ये डू से स्टार्ट हो रहा है, डू या डू नॉट से किससे भी स्टार्ट हो जाए, तो हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पहले सबसे पहले हम लेट से स्टार्ट करेंगे। फिर इसमें ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, योर वर्क। फिर क्या आएगा? फिर इसमें किस हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? बी का। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डू डिड डन। यहाँ पे क्या आएगा? डन। तो हमारा सेंटेंस हुआ लेट योर वर्क बी डन। फिर आ गया है डू नॉट प्ले टेनिस इन द ग्राउंड। सबसे पहले हम लेट से स्टार्ट करेंगे लेट। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? डू नॉट प्ले टेनिस, यानी वर्ब के बाद में होता है, तो ये टेनिस क्या है? ऑब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। लेट टेनिस। फिर आगे है, अब इसमें क्या है? नॉट कौन सा है? नेगेटिव। तो इसमें भी नॉट लगाएंगे। फिर किसका प्रयोग होगा? बी का। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर अदर वर्ड क्या है? इन द ग्राउंड। हमारा सेंटेंस हुआ पैसिव का लेट टेनिस नॉट बी प्लेड इन द ग्राउंड। ये इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट फर्स्ट हो गया, ये लेट से स्टार्ट होंगे सभी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड इसका शुड। यदि इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, एडवाइज यानी परामर्श या सलाह का बोध हो, तो पैसिव वॉइस में शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब भी इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट आ जाए या एडवाइज आ जाए, तो हमें पैसिव वॉइस में क्या करेंगे? शुड बी लगाएंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। और नोट, ये वाक्य लेट से शुरू नहीं होंगे। अब देखो इसमें हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कौन सा है? एक एडवाइस दे रहा, क्या कर रहा है कि हमें
रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमें हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? गरीबों की सहायता करनी चाहिए, रिक्वेस्ट अनुरोध हो रहा है, अनुरोध कर रहा है। तो हमें ऐसे वाले वाक्य को कैसे क्या करें, कैसे करेंगे? अब इसमें हेल्प के बाद में क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट द पुअर। फिर इसमें क्या लगेगा, शुड बी, क्या लगेगा, शुड बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। हमारा सेंटेंस हुआ द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अगला क्वेश्चन है लव योर कंट्री, कि हमें देश से प्रेम करना चाहिए, एडवाइस दे रहा है। तो इसमें लिए वाक्य लेट से शुरू नहीं होगा, क्या होगा, वो पहले तो हमें ये वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो योर कंट्री, योर कंट्री, फिर किसका प्रयोग होगा, शुड बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड। तो हमारा पैसिव वॉइस हुआ लव कंट्री शुड बी लव्ड। अगला है पार्ट थर्ड, प्लीज काइंडली, यानी रिक्वेस्ट वाले आ जाए। तो हम कैसे बनाएंगे, मैं, अब इसमें प्लीज काइंडली दोनों में से आ जाए वो लिखना, मैं प्लीज बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। अब इसका एक्टिव है प्लीज गिव मी योर नोटबुक। अब इसमें देखो ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट सेकंड। हम अब ये इसमें को इसको दो प्रकार से बनाएंगे, हम पिछले वाले वीडियो में देख लिए थे जब भी ऑब्जेक्ट दो रहते थे उसको किस प्रकार बनाते हैं। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट के अनुसार बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, समझ में आ गया। फिर किसका प्रयोग होगा, मी का, आई, मे। फिर इसमें क्या आ रहा है, प्लीज़, तो प्लीज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद में बी, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन। फिर ऑब्जेक्ट सेकंड क्या है, योर नोटबुक, योर नोटबुक। तो अपना पैसे हुआ आई मे प्लीज बी गिवन योर नोटबुक। फिर ऑब्जेक्ट हम सेकंड के अनुसार बनाएंगे, योर नोटबुक। फिर क्या आएगा इसमें, क्या चीज है इसमें, प्लीज, सॉरी, मे प्लीज बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। टू और मी, अब मी का मी रहेगा क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना कि सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तब मी का क्या हो जाएगा, आई। फिर अगला है एक्टिव, काइंडली एक्सपेंड हर फ्रॉम स्कूल फीस। अब इसमें एक्सपेंड ये वर्ब है, इसके बाद में ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर का क्या हो जाएगा, सी, समझ में आ गया। इसके बाद में है, फिर किसका प्रयोग होगा, मे का, मे। फिर काइंडली, इसमें क्या आ रहा है, काइंडली, उसमें क्या आ रहा था, प्लीज। तो हम मे के बाद में जो भी है एक्टिव के अंदर वो लिखना है, काइंडली सी मे काइंडली। फिर क्या है, बी, वर्क की थर्ड फॉर्म ई एक्स ई एम पी टी ई डी एक्सपेंडेड फ्रॉम स्कूल फीस। अपना सेंटेंस हुआ सी मे काइंडली बी एक्सपेंडेड फ्रॉम स्कूल फीस।
अगला टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर। सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन अफर्मेटिव की सेंटेंस की तरह ही किया जाता है। यानी नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है? अफर्मेटिव, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव की तरह। और नोट अपने स्थान पर ही रहता है। ये एक्टिव है, इसका हम क्या बनाएंगे? पैसिव। बिल्कुल सरल है। राम डिड नॉट किल द स्नेक। अब देखो डिड आ गया, डिड कौन से टेंस का है? ये है पास्ट टेंस का और सिंपल पास्ट टेंस का। और किस में चेंज होगा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाएंगे। द स्नेक वॉज, द स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय राम। अपना सेंटेंस हुआ द स्नेक वॉज नॉट किल्ड बाय राम। अब देखो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, सिंपल पास्ट टेंस से पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज कर दिया। फिर नोट उसी नोट अपने स्थान पर रहता है। नोट कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। इसमें भी तीसरे स्थान पर, इसमें भी तीसरे स्थान पर आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और बाय का प्रयोग हुआ। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिए। अगला टॉपिक है वर्ब प्लस टू बी आ जाए। यदि वाक्य में वर्ब टू बी, वर्ब टू बी कौन कौन सी है? टू बी वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड के बाद टू के साथ वर्ब आती है। किसके साथ आती है? टू के साथ। अब सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये टू, ये वर्ब और ये हिम। हिम का क्या होगा? ही कौन सा है? ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? इज। अब देखो इसमें ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? टू आ रहा है, टू प्लस बी, यानी टू बी फॉर्म आ रही है। क्या आ रही है? टू बी फॉर्म आ रही है। इज टू, फिर क्या लगाएंगे? टू बी हेल्प्ड एच ई एल पी ई डी हेल्प्ड बाय राम। देखो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर टू, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू बी लगाना है। क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ये रखना। हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बना दिए। अब इसको हम कंटिन्यूस को उसी में रहने देंगे, लेकिन इसमें अब बींग नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? वर्ब टू बी वाली फॉर्म आ रही है, इसमें टू आ रहा है। इस कारण हमें इसमें क्या नहीं लगाना है? बींग। तो अपना सेंटेंस हुआ ही इज टू बी हेल्प्ड बाय राम। अगला टॉपिक है विथ प्रीपोजिशन। यदि वाक्यों में इंट्रांजिटिव वर्ब क्रिया किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर ट्रांजिटिव वर्ब का निर्माण का काम करती है तो ऐसे वाक्यों में प्रीपोजिशन सदा वर्ब के बाद ही रहना चाहिए। सबसे पहले हम ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। और कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड, फिर वर्ब के बाद में क्या आएगा? प्रीपोजिशन सदा रहता है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या है? आफ्टर। और बाई का प्रयोग, सी का क्या हो जाएगा? हर। अपना सेंटेंस हो गया ही इज लुक्ड आफ्टर बाई हर। आगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन इंस्टेड ऑफ बाई विथ ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट होता है, परंतु कुछ शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं और वो ही लगाए जाते हैं। पहला है सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लेस्ड,
स्ट्रेस्ड के साथ एट का प्रयोग होगा। जब भी ये आ जाए प्रीपोजिशन तो इनके साथ किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। दूसरा है नॉन ओब्लाइज्ड के साथ किसका प्रयोग होगा, टू का। फिर तीसरा है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड के साथ किसका होगा, विथ का प्रयोग होगा। चौथा है इंटरेस्टेड, कंजस्टेड और कंटेंट के साथ किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग। जैसे पहला एक्टिव है हिज बिहेवियर डिसपॉइंटेड मी। अब देखो डिसपॉइंटेड आ गया, किसमें डिसपॉइंटेड, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, एट का। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, और किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट आई, आई के साथ वॉज, आई वॉज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड, फिर बाय का प्रयोग नहीं होगा। प्रीपोजिशन क्या आएगा इसके अंदर, एट हिज बिहेवियर। अपना सेंटेंस हुआ आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट हिज बिहेवियर। अगला एग्जाम्पल है आई नोन हर सिस्टर। अब देखो इसमें नोन आ रहा है, नोन के साथ क्या आएगा, टू। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, हर सिस्टर। फिर नोन है, कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। तो इसमें क्या आएगा, इज। हर सिस्टर के साथ क्या आएगा, उसकी बहन, एक यहाँ पे सिस्टर है, सिस्टर होता तो यहाँ पे आ रहा था। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन, टू, आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो अपना सेंटेंस हुआ हर सिस्टर इज नॉन टू मी। अगला है एग्जाम्पल योर होनेस्टी हैज प्लीज्ड मी। अब देखो प्लीज्ड आ रहा है तो इसके साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन के साथ विथ का प्रयोग होगा। अब ये क्या, मी का क्या हो जाएगा, आई। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव। क्या लगेगा इसमें, इसमें रहेगा बीन लगाना है, आई हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, आई हैव बीन प्लीज्ड, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा, विथ योर होनेस्टी, STY। आई हैव बीन प्लीज्ड विथ योर होनेस्टी। अगला एग्जाम्पल है दिस जॉब इंटरेस्टेड मी। मी का क्या हो जाएगा, आई। अब देखो इसमें कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ, आई एम इंटरेस्टेड। फिर किसका प्रयोग होगा इसके साथ, इन दिस जॉब। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट दिस जॉब। तो अपना सेंटेंस हुआ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। आज हमारा पैसिव वॉइस का पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।